हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोलिएशन एंड क्लीवेजेस एंड देयर रिलेशनशिप विद फोल्डेड स्ट्रेटा। उनका फोल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है और डिफरेंट फोल्ड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप ऑफ क्लीवेज एंड बेडिंग्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को, जिसका नाम है डॉक्टर मोहित कुमार पुनिया, को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसको लाइक कीजिए, लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, फोलिएशन एंड क्लीवेज इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फोलिएशन? तो फोलिएशन वो प्लेनर फीचर्स होती हैं जो कि आपकी डिफॉर्मेशन की वजह से बनती हैं और जिनमें आपके जो मिनरल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन हो जाते हैं। ओके, तो इसको डेफिनेशन फॉर्म में आप कह सकते हो कि द टर्म फोलिएशन रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोजली स्पेस प्लेनर पैरेलल डिसकंटिन्यूटीज इन ए रॉक, डिसकंटिन्यूटीज दैट आर पेनिट्रेटिव एट द स्केल ऑफ द आउटक्रॉप एंड हैंड स्पेसिमेन। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है जिसका जो है आपका पेनिट्रेटिव। तो पेनिट्रेटिव का मतलब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में होता है जब कोई भी डिसकंटिन्यूटी ग्रुप में मिले। याद रखिएगा, जब हमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी ग्रुप में मिलती है जिनका सेम ओरिएंटेशन और लगभग एक जैसी स्पेसिंग होती है, हम उनको पेनिट्रेटिव फीचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि आपका जॉइंट सेट, ओके, तो जॉइंट सेट हमारा पेनिट्रेटिव फीचर्स है। और अगर मान लीजिए कि हमें कोई एक फॉल्ट मिल रहा है इस एरिया में, सो ये आपका पेनिट्रेटिव फीचर नहीं कहलाएगा, ये नॉन पेनिट्रेटिव प्लेनर फीचर कहलाएगा। तो पेट्रोफैब्रिक में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं पेनिट्रेटिव प्लेनर फीचर, पेनिट्रेटिव लीनियर फीचर, नॉन पेनिट्रेटिव प्लेनर फीचर एंड नॉन पेनिट्रेटिव लीनियर फीचर्स ऑल्सो। ओके, देन फोलिएशन के प्रिंसिपल्स को, फोलिएशन के प्रिंसिपल को हम कैसे यूज़ करते हैं रीजनल जियोलॉजिकल मैप में, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो लेक्चर, जो कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग के नाम से है। तो आप जाके डायरेक्ट ये लिंक यूज़ कर सकते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस को वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली फोलिएशन जो है हमारा रीजनली मेटामॉर्फोज रॉक में मिलता है और इसको हम कैसे डिफरेंट मैपिंग में यूज करते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो फर्स्ट टर्म इज टेक्टोनाइट्स। तो टेक्टोनाइट बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके डिफॉर्मेशन की वजह से डेवलप होते हैं, जैसे कि आपका ओरोजेनिक माउंटेन बेल्ट, जैसे कि हिमालय में हमें मिलता है, आल्प्स में हमें मिलता है, यूराल में हमें मिलता है। तो इनमें जो भी, या फिर हम कह सकते हैं कि ओरोजेनिक या टेक्टोनिक स्ट्रक्चर्स की वजह से, टेक्टोनिक स्ट्रक्चर्स जो आपके रीजनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ओके, एसटीडीएस, साउथर्न तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम या ट्रांस हिमाद्री फोल्ड जिसको हम कह सकते हैं। तो टेक्टोनाइट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एस टेक्टोनाइट एंड एल टेक्टोनाइट। एस टेक्टोनाइट्स हमारे प्लेनर फीचर्स होते हैं जैसे कि आपका फोलिएशन। एल टेक्टोनाइट्स हमारे लीनियर फीचर्स होती हैं जैसे कि हमारा फॉल्ट स्टेरिएशंस, फॉल्ट सिलिकेंसाइट्स, मिनरल लीनिएशन जो कि आपकी डिफॉर्मेशन की वजह से डेवलप होती हैं, ठीक है ना। तो एस को जैसे कि हम लोग एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हैं विद फोलिएशंस। तो फोलिएशंस को या क्लीवेज को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो फोलिएशन है हमारा प्राइमरी फीचर है इन डिफॉर्म रॉक, तो उसको हम S0, S1, S2 से भी डिनोट कर सकते हैं जब हम डिफॉर्मेशन हिस्ट्री किसी भी एरिया की कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्लीवेज। तो क्लीवेज वो आपके क्लीव प्लेन्स हैं जिनके अलोंग हम किसी भी रॉक को ब्रेक कर सकते हैं और मिनरल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में अलाइन हो जाते हैं। तो हम जो ऑल क्लीवेजेस आर फोलिएशंस, बट इसका रिवर्स वैसा नहीं है। ओके, तो रिवर्स में हमें वैसा नहीं मिलता है, तो ऑल क्लीवेजेस आर फोलिएशंस। सो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वी कैन डिवाइड द फोलिएशन इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो फोलिएशन को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, और देयर स्पेसिंग, देयर कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं स्पेस फोलिएशन में, कंटिन्यूस फोलिएशन में। स्पेस फोलिएशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कंपोजिशनल, डिसजंक्टिव, ग्रेनुलेशन, और कंपोजिशनल को डिफ्यूज एंड बैंडेड। डिसजंक्टिव में स्टाइलोलाइट, एनास्टोमोसिंग, रफ एंड स्मूथ, और क्रेनुलेशन को जोनल एंड डिस्क्रीट में डिवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूस फोलिएशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइन फोलिएशन एंड कोर्स फोलिएशन। फाइन फोलिएशन को फर्दर डिवाइड करते हैं माइक्रो क्रेनुलेशन, माइक्रो डिसजंक्टिव और माइक्रो कंटिन्यूस, और कोर्स को मिनरल ग्रेन्स एंड डिस्क्रीट में डिवाइड करते हैं।
ओके, तो अब यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताऊंगा फोलिएशन एंड क्लीवेजेस की। तो बेसिकली क्लीवेज वो प्लेन्स होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे फॉर्म होते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो क्लीवेज हैं वो आपका लो टेम्परेचर वर्जन है फोलिएशन का, ठीक है ना, जिसके अलोंग हमें अबाउंडेंट प्लेटी मिनरल्स की अबाउंडेंसी मिलती है, क्योंकि प्लेटी मिनरल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इजिली अलाइन हो जाते हैं, जैसे कि स्टाइलोलाइट। तो स्टाइलोलाइट बेसिकली आपका प्रेशर की वजह से फॉर्म होता है, और इसमें हमारे जो स्टाइलोलाइट फॉर्म होते हैं वो हमारे सब हॉरिजॉन्टल और इरेगुलर इन शेप में होते हैं। अगर हम इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। तो बेसिकली स्टाइलोलाइट क्लीवेज जो डेवलप होता है वो कार्बोनेट रॉक में होता है, जैसे कि लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट। तो ये याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टाइलोलाइट से। ओके, देन टेक्टोनिक फोलिएशन। टेक्टोनिक फोलिएशन बेसिकली हमारा प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन की वजह से डेवलप होता है, जिसमें कि आपके फोलिएशन हम कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिज्म रॉक में जो डेवलप होता है फोलिएशन, क्योंकि प्रेशर की वजह से क्या होता है आपके मिनरल्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्लेनर फीचर्स डेवलप हो जाती हैं जिनको फोलिएशन कहा जा सकता है। ओके, देन अगर सिग्मा वन इज हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल प्रेशर सॉल्यूशन क्लीवेज फॉर्म दैट विल मेक ए हाई एंगल टू S0। तो इसका जो एग्जांपल है फॉर्म कंपैक्शन रिलेटेड स्टेलोलाइट। तो इसकी हेल्प से हम लोग सिग्मा वन और सिग्मा टू की भी कोरिलेशन कर सकते हैं। पेंसिल क्लीवेज तब डेवलप होता है जब एक से अधिक क्लीवेज जो है एक जगह पर इंटरसेक्ट करे, तब देन पेंसिल क्लीवेज में भी डेवलप। देन स्पेस फोलिएशन, तो स्पेस फोलिएशन में बेसिकली ये डिपेंड करता है स्पेसिंग पे। तो इसमें स्पेसिंग हमारी 10 माइक्रोमीटर या 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके डोमेन स्पेसिंग एंड प्रोपरेशन ऑफ द रॉक। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कंपोजिशनल फोलिएशन में एंड डिफ्यूज फोलिएशन में एंड बेंडेड फोलिएशन में। कंपोजिशनल फोलिएशन जहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशनल लेयर इसको डिमार्केट करे, ओके, डिफरेंट मिनरोलॉजिकल असेंबलीज, तो उसको हम कंपोजिशनल फोलिएशन कहते हैं। डिफ्यूज फोलिएशन जब आपका मिनरल अलाइनमेंट जो है वो पुअरली अलाइन हो, उसमें ज्यादा अलाइनमेंट ना दिखे, जैसे कि आपका ड्यूनाइट एंड ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को हम देखते हैं कि स्कैटर्ड फॉर्म में ग्रेन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, सेम थिंग विद द डूनाइट्स ऑल्सो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज फोलिएशन, जब आपके स्कैटर्ड ग्रेन्स रहते हैं। बैंडेड फोलिएशन, बैंडेड फोलिएशन जो है ये भी हम डिफरेंट कलर लेयरिंग की वजह से भी पहचान सकते हैं, और वो कलर आता है डिफरेंट मिनरोलॉजिकल असेंबलीज की वजह से। तो बेंडेड फोलिएशन बेसिकली आपका हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक में डेवलप होता है, जैसे कि आपका नाइस इसका एग्जांपल है, या फिर आप मिगमेटाइट भी आप कह सकते हैं। देन डिसजंक्टिव फोलिएशन। डिसजंक्टिव फोलिएशन में आपका बेसिकली आपके जो है आयरन ऑक्साइड्स कंसेंट्रेट कर जाते हैं, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं विद प्लेटी मिनरल्स। तो ये इस तरह का आपका जो है डिसजंक्टिव फोलिएशन क्रिएट करते हैं। स्टाइलोलाइट फोलिएशन, मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टाइलोलाइट फोलिएशन जो है वो आपको कार्बोनेट रॉक्स में मिलते हैं, और इनका जो क्रॉस सेक्शन फीचर्स है वो इस तरह का आपको दिखता है। तो इसको बोलते हैं टूथ लाइक क्रॉस सेक्शन। तो टूथ लाइक ज्योमेट्री ये डेवलप करते हैं, और इनका जो स्पेसिंग होता है वो 1 to 5 सेंटीमीटर पाया जाता है। ओके, देन एनास्टोमोसिंग फोलिएशन। एनास्टोमोसिंग का मतलब होता है जिग जैग। तो बहुत सारा फोलिएशन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तब एनास्टोमोसिंग फोलिएशन डेवलप होते हैं, जैसे कि आप लोग इस फीचर्स में भी देख सकते हैं। और इनका जो स्पेसिंग है वो 0.5 से 1 सेंटीमीटर होता है, और ये इस तरह के फोलिएशन हमें मिलते हैं फिलिटिक रॉक्स में। तो फिलिटिक रॉक, या जिसको हम कई बार माइलोनिटिक की एक और कैटेगरी होती है जिसमें कि आपका फ्लैकी मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको बोलते हैं फाइलोनाइट्स। तो फाइलोनाइट्स में भी ये इस तरह के फोलिएशंस आपको मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द रफ फोलिएशन। रफ फोलिएशन बेसिकली ऑन रॉक्स में डेवलप होते हैं जिनमें आपका सैंड साइज बढ़ जाए। ओके, सैंड साइज जब आपके ज्यादा होते हैं रॉक में तब आपके रफ फोलिएशन मिलते हैं, और इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती, ब्रेकेज दिखने लगता है, तो इसको हम रफ फोलिएशन बोलते हैं। स्मूथ फोलिएशन में कंटिन्यूटी दिखती है। ओके, तो कंटिन्यूटी दिखती है और प्लेटी मिनरल्स भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। देन क्रेनुलेशन फोलिएशन। तो क्रेनुलेशन फोलिएशन बेसिकली उन रॉक में मिलते हैं जिन रॉक्स में हमें फाइलोसिलिकेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फाइलोसिलिकेट्स का मतलब है जैसे कि आपके माइका ग्रुप के मिनरल्स मिल जाएं या क्ले ग्रुप के मिनरल्स मिल जाएं। तो इसमें बेसिकली हमें रिंकल्स मिलते हैं या चेवन्स टाइप की ज्योमेट्री डेवलप होती है, जैसे कि आपका सिस्ट हो गया। ओके, तो सिस्ट में हमें क्रेनुलेशन फोलिएशन बहुत आसानी से मिल जाता है। देन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जोनल क्रेनुलेशन एंड डिस्क्रीट क्रेनुलेशन।
तो जोनल क्राउनेशन वहां पर डेवलप होती है जब आपका जो बेसिकली प्लेटी मिनरल्स हैं उनका कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर बैंड्स में या पर्टिकुलर जोन्स में डिवाइड हो जाए, तब आपका जोनल क्रेनुलेशन जो है वो डेवलप होती है। डिस्क्रीट क्रेनुलेशन जब आपके प्लेटी मिनरल्स जो हैं वो आपका क्या करे, क्लीवेज जो है वो पैरेलल हो जाए डोमेन्स के और शार्पली डिस्कॉर्डेंट करे विद ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेटी मिनरल्स, तो तब आपके डिस्क्रीट क्रेनुलेशन फोलिएशन डेवलप होते हैं। देन कंटिन्यूअस फोलिएशन, जैसा कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, कंटिन्यूअस इसके फोलिएशन में कंटिन्यूटी रहती है और इनकी जो स्पेसिंग है दैट इज लेस देन 10 माइक्रोमीटर। तो फाइन कंटिन्यूअस फोलिएशन, फाइन कंटिन्यूअस फोलिएशन आपके माइक्रो क्रेनुलेशन डेवलप करते हैं जो कि आपके फ्लेक फ्लेट फ्लैकी मिनरल्स की वजह से बनते हैं, ठीक है ना, माइक्रो डिसजंक्टिव डेवलप करते हैं। तो बेसिकली इनका जो स्पेसिंग है वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर रहता है। देन कोर्स कंटिन्यूअस फोलिएशंस आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, होमोजीनियसली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे आपके प्लेटी मिनरल्स, तब आपकी क्या है कोर्स कंटिन्यूअस क्रेनुलेशन डेवलप हो सकती है। ओके, तो बेसिकली ये आपका रिफर करता है पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को मिनरल्स के। देन अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप ऑफ क्लीवेज विद द फोल्डिंग स्ट्रेटा। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम कोई भी फोल्ड लेते हैं तो जनरली हमारा जो क्लीवेज है दैट इज पैरेलल और सब पैरेलल टू द एक्सियल सरफेस, ये हमेशा पैरेलल टू सब पैरेलल रहता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देन सेकेंड थिंग इज और जो ओरिएंटेशन ऑफ द फोलिएशन कॉमनली चेंज सिग्निफिकेंटली इज ए लिथोलॉजिकल कॉन्टैक्ट। लिथोलॉजिकल कॉन्टैक्ट पे ये चेंज हो जाता है, और क्यों, क्योंकि जब दो डिफरेंट टाइप की लिथोलॉजी हमें एक जगह पर मिलती है तो आप सब लोगों को पता है कि जब डिफरेंट लिथोलॉजी होगी तो उसके रियोलॉजिकल कैरेक्टर भी अलग अलग होंगे, तो जब हम इसको फ्रैक्चर्स करेंगे या स्ट्रेंथ भी उसका अलग अलग होगा, तो एक फ्रैक्चर जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, या हम कह सकते हैं एक रॉक से दूसरे रॉक में जाने पर जब एंगल चेंज हो जाता है क्लीवेजेस का, तो उसको क्लीवेज रिफ्लेक्शन फिलोमिना कहते हैं। ओके, तो फोलिएशन प्लेन कभी भी जो है वो कट नहीं करता बेडिंग सरफेस को मोर देन वंस, एक के एक से ज्यादा बार वो कट नहीं करता है। द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द होलो एरो थ्रू द एक्यूट एंगल, जो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया है एक्यूट एंगल का जो सेंस है दैट इज टुवर्ड्स द बेडिंग चेंज अक्रॉस द एक्सियल प्लेन। अच्छा, इसके अलावा हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज एंड बेडिंग रिलेशनशिप। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ये क्लीवेजेस है, और क्लीवेजेस जो है वो हाई एंगल पे है बट, और बेडिंग ये यहाँ पर हम बेडिंग देख रहे हैं, तो क्लीवेज और बेडिंग दोनों अपोजिट डायरेक्ट में डिप कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन हमारी अपराइट फोल्ड्स में दिखाई देती है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज, हाँ, इसके अलावा और भी कुछ और रिलेशनशिप होती है। अगर हमारा क्लीवेज, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं क्लीवेज और बेडिंग एक ही डायरेक्शन में डिप कर रहे हैं, बट क्लीवेज जो रहे वो स्टीपर हो जाए कंपैरेटिवली बेडिंग, तो वो आपका नॉर्मल लिम्ब को शो करता है। और अगर क्लीवेज जो है वो आपका बेडिंग आपका हाई एंगल पे हो जाए, जैसे कि अगर ये हाई एंगल पे हो जाता है और क्लीवेज लो एंगल पे, तब तो वो आपकी ओवरटर्न लिम्ब को शो करती है, ठीक है। देन इसी के बेस पे हम लोग डक्टाइल शियर जोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बेसिकली फोलिएशन यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड होता है जिसको हम एससी फोलिएशन कहते हैं। तो एस फोलिएशंस जो होता है वो आपका कोर्स फोलिएशन कहलाता है, और ये बेसिकली आपका कर्व्ड शेप में होता है, तो इसमें क्वार्ट्स ग्रेन जब आ जाते हैं तो ये कर्व्ड शेप का बनता है इस तरीके से। तो इसके बेस पे जब ये बाउंडेड कर्व सरफेस बाउंडेड बाय द हॉरिजॉन्टल और सब हॉरिजॉन्टल सरफेसेस, तो ये दोनों मिलकर ये एस सी स्ट्रक्चर और ये एस स्ट्रक्चर दोनों मिलकर एस सी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और एस सी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग शियर सेंस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, तो बेसिकली क्या करेगा ये ऊपर का पोर्शन इसको इस तरफ ड्रैग करेगा, तो ये आप यहाँ से कर्व हो जाएगा। तो बेस ऑन दिस कर्वेचर और वी कैन से ड्रैगिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन मार्क द शियर सेंस इंडिकेटर ऑल्सो। तो ऐसी स्ट्रक्चर में शियर सेंस इंडिकेटर को हम ऐसे मार्क करते हैं। देन ये क्लीवेज रिफ्लेक्शन फिनोमिना एंड दिस क्लीवेज फैन ऑलरेडी आई हैव डिस्क्राइब, क्योंकि डिफरेंट पैथोलॉजिकल कॉन्टेक्ट आने की वजह से क्लीवेज रिफ्लेक्शन फिनोमिना मिलती है, और क्लीवेज फैंस जो डेवलप होते हैं या बेसिकली कर्वेचर की वजह से डेवलप होते हैं। ओके, देन ट्रांजेक्टेड क्लीवेज, तो ट्रांजेक्टेड क्लीवेज जब हिंज पोर्शन को कट करता है, ओके, किसी भी फोल्ड को जब किसी एक एंगल के ऊपर कट करेगा तो उसको हम ट्रांजेक्टेड क्लीवेज कहते हैं।
देन आइसोक्लाइनल फोल्ड, आइसोक्लाइनल फोल्ड के केस में क्या होता है कि अगर ये हमारा फोल्ड डेवलप हो गया है, यहाँ पे ये जो डैश डैश लाइन आपको दिख रही है, दीज आर द क्लीवेजेस। तो क्लीवेजेस यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल लिम में क्या रहेगा आपका जो है, नॉर्मल लिम में आपका बेडिंग्स जो है वो आपका लो एंगल पे रहेगा, बेडिंग लो एंगल पे और क्लीवेज हाई एंगल पे, और हिंज पोर्शन में क्लीवेज बेडिंग को राइट एंगल पे कट करेगा, या कई बार एग्जाम में ये स्टीपली भी लिखा होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ओवरटर्न फोल्ड में आपका जो बेडिंग है दैट इज मोर देन हैज एंगल मोर देन द क्लीवेज प्लेन्स, मतलब बेडिंग आपका हाई एंगल पे होगा और क्लीवेज लो एंगल पे होगा, ठीक है ना। तो बेडिंग स्टीपर देन द क्लीवेजेस, तो वो आपका ओवरटर्न लिम कहलाएगा। नॉर्मल केस में आपका क्लीवेज जो होगा वो हायर होगा, क्लीवेज स्टीपर होगा और बेडिंग आपका जो है वो लो एंगल पे होगा, तो वो नॉर्मल लिम कहलाएगा। ओके, इसके अलावा जो है रिलेशनशिप विद डक्टाइल शियर जोन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस वन। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा एससी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, तो एससी स्ट्रक्चर्स में हम लोग शियर सेंस ऐसे मार्क कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर्स के बेस पे, इसके अलावा भी कुछ हमारे जो हैं क्लीवेजेस हैं, जैसे कि स्लेटी क्लीवेज, फिलेटिक क्लीवेज, फ्रैक्चर क्लीवेज, स्ट्रेन स्लिप क्लीवेज, या सिस्टोसिटी फ्लो क्लीवेज, सीयर क्लीवेज, सॉल्यूशन क्लीवेज, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारे टाइप ऑफ रॉक के ऊपर और टाइप ऑफ मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है ना। तो जैसे स्लेटी क्लीवेज को हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, फिलेटिक क्लीवेज जो है वो आपका एनेस्टोमोइसिंग टाइप ऑफ क्लीवेज डेवलप करता है, फ्रैक्चर क्लीवेज जो है बेसिकली आपके फोल्ड से रिलेटेड फ्रैक्चर क्लीवेज डेवलप होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्लीवेजेस हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आप ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों की नॉलेज को इन्हांस करेगा और आपको एग्जाम में फायदा पहुँचाएगा। तो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कोई भी सजेशंस हैं या क्वेरीज हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।